खबर सिंगरौली जिले से आ रही है, जहां नगर निगम परिषद की आज पहली बैठक नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे की अध्यक्षता में राष्ट्रगान के बाद बैठक शुरू होते ही शोर शराबा शुरू हो गया। पार्षदों ने महापौर रानी अग्रवाल और उनकी पूरी MIC के सवाल जो परिषद में लगे थे उस पर जवाब तलब करने लगे। इसी बीच काफी नोकझोंक भाजपा कांग्रेस के पार्षदों ने नगर निगम सरकार की महापौर से जवाब तलब करने लगे कि 4 महीने तक परिषद की बैठक क्यों नहीं हुई, सिर्फ चुनाव के समय महापौर द्वारा किए गए घोषणा सब्जी बाजार बैठ की शुल्क वसूली माफी के मुद्दों को आयुक्त द्वारा एजेंडे से बाहर किए जाने पर लेट को महापौर ने वजह बताया। महापौर के जवाब से पार्षद असंतुष्ट होकर हंगामा करने लगे और पानी, सड़क, अनियमितता जैसे मुद्दों पर पूरी MIC को घेर डाले। काफी नारेबाजी, हंगामे के बीच महापौर रानी अग्रवाल और उनकी MIC ने सदन का बहिष्कार कर दिया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने पहले से ही बाजार बैठ की शुल्क माफी मुद्दे को परिषद में नहीं भेजे जाने पर नगर निगम प्रशासन का विरोध करते हुए धरने पर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ महापौर रानी अग्रवाल अपने सदस्यों MIC के साथ नगर निगम के बाहर जमीन पर बैठ गई। आपको और आपके MIC को घेरा जा रहा था, लगातार सवालों की बौछार थी, आप लोग सही ढंग से फेस नहीं कर पाए। आरोप है कि आप लोगों ने बहिष्कार कर दिया, क्या वजह है? बिल्कुल, आप सब जानते हैं कि बिल्कुल हम लोग जनहित के मुद्दों को लेकर ही नगर परिषद एक मंदिर होता है और उस मंदिर के तहत हम सब वहां बैठे थे और हर सवालों का जवाब हो रहा था। मैंने हर सवालों का उसमें जवाब लिखा हुआ था तभी, और उस जवाब को देते हुए कि अगर आप लोग को उसका विस्तार चाहिए तो अधिकारी दें, क्योंकि नहीं तो बीच बीच में बार बार ये है कि आप सब परिषद को आगे नहीं जाने दे रहे। परिषद को जब परिषद की कोई बैठक होती है MIC के द्वारा जब जो एजेंडे होते हैं उस एजेंडे को लेकर परिषद की बैठक होती है। फिर मैंने आयुक्त को भी महोदय को कहा कि जो हमारे बाजार बैठकी का मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है, उसको भी एजेंडे में जोड़ा जाए, लेकिन आयुक्त महोदय द्वारा बार बार यही विचार कराया जा रहा था कि ये एजेंडा नहीं जुड़ सकता है। क्या शायद उनका ऊपर का दबाव था कि क्या था, बार बार वो हर जवाब में कभी पुनः विचार लिख रहे थे, कभी हर बात का जवाब, क्योंकि मेरे पास इसका प्रमाण भी है और हमारा सिर्फ एक मतलब कि उसको जोड़ के परिषद में भेजा जाए, अगर परिषद में नहीं होता है तो ऊपर राज्य शासन को भेजा जाए, लेकिन उस मुद्दे को लेकर आगे नहीं बढ़ने दिया और परिषद को उन्होंने खुद ही देरी की और हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि परिषद को हमने नहीं आगे बढ़ने दिया। हम तो खुद जनहित के मुद्दे के लिए आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या है? आपसे आपके तहत मैं पूछना चाहती हूँ कि बाजार बैठ की जो एक टोकरी में लेकर हमारे जो किसान भाई होते हैं, अगर वो 50 रुपए की सब्जी बेच रहे हैं तो उस पर 100 रुपए बैठ की लिया जा रहा है, तो कहाँ का ये जनहित का मुद्दा है? एक्ट को लेके बोलते हैं, एक्ट क्या कोई भगवान के जनता के द्वारा एक्ट बनाया जाता है और उसमें जनहित के मुद्दे को नहीं जोड़ा जा सकता क्या? और ऊपर राज्य शासन बैठी है, उस पर निर्णय लेने का उनका हक है। हमारा बस एक ये था कि हमारे जो जनहित का मुद्दा है उस बैठकी को परिषद में ले जाया जाए, लेकिन वो हमारे द्वारा हमारे मंत्रियों पे हम पे आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों ने बहिष्कार किया। यहाँ तक कि BJP के एक पार्षद द्वारा हमारे मंत्री को बोला गया कि अगर आप जवाब नहीं जानती हैं तो आप घर बैठ के झाड़ू पोछा करिए। क्या झाड़ू पोछा वो नहीं करती है घर में बैठ के? लिखी है वो भी जवाब दे अपना, वो कितनी पढ़ी लिखी है, एक औरत की नहीं, हर 45 वर्ष की हमारी हर एक महिला का अपमान कर रही है। वो बताए हम कितने पढ़े, वो कितना जानती है, वो आज 20 साल से क्या की है, क्या और भी तो आगे वो पार्षद रह चुकी है, कितना क्या दिखाई है वो, आज हमारी महापौर कर रही है उसके लिए भी वो ताना सही दिखा रही है, ये ताना सही नहीं चलेगी।